नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। यूपी विधानसभा चुनावों के बीच शनिवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान जब अखिलेश मंच से भाषण दे रहे थे, तभी उनके बगल में एक महिला खड़ी थी जो लगातार सेल्फी ले रही थी, जिसके बाद से ये महिला चर्चा में है। काफी लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये महिला कौन है जो अखिलेश के इतने करीब थी और लगातार सेल्फी ले रही थी और वीडियो बना रही थी। पहले ये वीडियो देखिए, फिर आपको बताते हैं इस महिला के बारे में। तो से जीतने जा रही है, न केवल ये दो विधानसभाएं, न केवल ये विधानसभाएं, हाँ, बल्कि पूरा का पूरा गोरखपुर भी। अखिलेश यादव के बगल में खड़ी ये युवती कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर कैंपियरगंज से चुनाव लड़ रही अभिनेत्री काजल निषाद है, जो पूर्व सीएम के बेटे और बीजेपी नेता फतेह बहादुर सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं। अखिलेश यादव के साथ मंच पर पिपराइच विधानसभा के प्रत्याशी अमरेंद्र निषाद के साथ ही कैंपियरगंज सीट की कैंडिडेट काजल निषाद खड़ी थी। जितनी देर अखिलेश यादव मंच पर भाषण देते रहे, वो लगातार सेल्फी लेती रही। काजल निषाद मुंबई की रहने वाली हैं। उनके माता पिता कच्छ गुजरात से हैं। काजल ने गोरखपुर जिले के भाऊपार गांव के रहने वाले भोजपुरी फिल्म निर्माता संजय निषाद से शादी की। काजल निषाद का नाम एक बार विवाद में भी उछला। दरअसल फरवरी 2021 में उन्होंने बीएसपी के नेता राम भुआल निषाद और उनके समर्थकों पर एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें आरोप लगाया कि ककर खोर में चुनाव प्रचार के दौरान राम भुआल और उनके समर्थकों ने उन पर जानलेवा हमला करवाया था। काजल निषाद भोजपुरी सिनेमा का एक बड़ा नाम है। काजल भोजपुरी फिल्मों के अलावा कई टीवी सीरियल्स में भी काम कर चुकी हैं। टीवी के मशहूर सीरियल लापता गंज से काजल निषाद को एक अलग पहचान मिली थी। एक बार फिर काजल समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव में उतरी हैं और वो गोरखपुर जिले की कैंपियरगंज सीट पर अपनी किस्मत आजमा रही हैं। इससे पहले वो 2012 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। भोजपुरी एक्ट्रेस काजल निषाद 7 अगस्त 2021 को अपने 1000 समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुई थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।